नेगेटिव थिंकर सीज डिफिकल्टीज इन एवरी अपॉर्चुनिटी बट अ पॉजिटिव थिंकर सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टीज। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 द टाइगर किंग अंडर विस्तास। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि क्लास 12 में हमको तीन बुक का स्टडी करना है, फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो पोएट्री और विस्तास, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नेम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, विस्तास के अंतर्गत बहुत ही कॉमिक चैप्टर द टाइगर किंग रिटेन बाय तमिल राइटर कल्कि कृष्णमूर्ति, शॉर्टकट में इनको कल्कि के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको कभी क्या लगती है, इमेजिन फुल लगती है, कभी ह्यूमरस लगती है ना फ्रेंड्स। इसमें स्पेशली फ्रेंड एक ही करेक्टर है जो सबसे बड़े करेक्टर हैं, वह कौन है, टाइगर किंग। बाकी इनकी सप्लीमेंट्री असिस्टेंट हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेंजा बाय स्टेंजा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। बहुत ही कॉमिक, बहुत ही इमेजिन फुल स्टोरी आपको लगेगी। ओके फ्रेंड्स आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मतलब इस स्टोरी की सबसे बड़े हीरो या एकमात्र हीरो कौन है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल। उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब महाराज को जाना जाता है या किंग को जाना जा रहा है किस रूप में, महाराजा धीराज जमींदार जनरल के रूप में, किलेदार महाराज के रूप में जाना जाता है और सत व्याघ्र संघारी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स सत व्याघ्र संघारी मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स, जैसे हम संस्कृत में देखते हैं सत मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स होता है, तो सत व्याघ्र माने 100 बाघों का इन्होंने संहार किया था, है ना, 100 बाघों का संहार करने के वास्ते इनको सत व्याघ्र संघारी के नाम से भी जाना जाता है और महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ फ्रेंड्स विश्वभुवन सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स और भी इनके क्या नाम है। सबसे मेन इनका नेम फ्रेंड्स आने वाला है क्या, सर जिलानी जंग जंग बहादुर। क्या नाम है फ्रेंड, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD के नाम से भी जाना जाता है, ACPC के नाम से भी जाना जाता है और CRC के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टेड, लेकिन इतना बड़ा नाम बोलने लोगों को दिक्कत जाती है, तो शॉर्टकट में जो राजा के सम्मान को बढ़ाए तो शॉर्टकट में इनको क्या किया जाता है, टाइगर किंग के नाम से इंडिकेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको समझ में आया। क्या मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है प्रतिबंधपुरम के महाराजा की स्टोरी है, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके हिसाब से, जमींदार जनरल के नाम से, किलेदार महाराज के नाम से, सत व्याघ्र संघारी के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से, विश्वभूल सम्राट के नाम से और साथ ही साथ सर जिलानी जंग जंग बहादुर के नाम से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन ये नाम इनका बहुत इतना लंबा चौड़ा है कि इतना बोलने में लोगों को दिक्कत जाती है, तो प्रजा जो है सम्मान से इनको या प्यार से लविंगली इनको क्या बोलती थी, द टाइगर किंग के नाम से इनको जाना जाता था। और आप जानते हैं इस लेसन का नाम भी क्या है, द टाइगर किंग, अर्थात इन्हीं राज माने जो सर जिलानी जंग जंग बहादुर जो महाराजा है इन्हीं की स्टोरी यहां पर एसोसिएट है। उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा उससे जुड़ी हुई बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या बात हुआ, कैसे है, वन बाय वन हम देखते जाते हैं, समझते जाते हैं, ये बात हमको और आसान लगेगी। देखिए फ्रेंड्स मैं चाहूंगा स्टोरी 2 मिनट के अंदर बता दूं लेकिन मजा नहीं आएगा, वन बाय वन लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा तो काफी ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने में आपको मदद मिलेगी। आइए देखते हैं। व्हेन महाराजा जिलानी जंग जंग बहादुर वाज बोर्न, जब इनका जन्म हुआ था, द एस्ट्रोलॉजर्स है फोर टोल्ड, मतलब आप जानते हैं चूंकि यह एक राजा के घर में जन्म लिए थे तो इनके पिताजी ने क्या किया, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ज्योतिषी लोग थे उनको अपने दरबार में बुलाएं और उनसे बोले कि आप मेरे बच्चे का हाथ देख करके बताइए, हमारा बच्चा कितना आगे चल के प्रोग्रेस करेगा, इसकी आयु कितनी होगी, ये सब के बारे में उनके फादर ने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर से पूछा। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर बताया जा रहा है कि द एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, और
एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया, भविष्यवाणी की, प्रेडिक्शन की, दैट वन डे द किंग वुड डाई, एक दिन राजा मर जाएगा, एक दिन राजा मर जाएगा। सिंपल सी बात है फ्रेंड, जो जन्मेगा वही तो मरेगा। देखिए फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, उस समय उस बच्चे की उम्र या जो राजकुमार था जिसका नाम क्या है जिलानी जंग जंग बहादुर, उसकी आयु उस समय सिर्फ 10 दिन की थी। तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्टेड स्पीकिंग, वह बोलना चालू कर दिया, बोलने लगा, मतलब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि इसकी जो है एक दिन मौत हो जाएगी, तो वह जो 10 दिन का बच्चा था वह बोलना चालू कर दिया, जो प्रिंस था जिलानी जंग जंग बहादुर स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलने लगा। तो ही टोल्ड देम, और जिलानी जंग जंग बहादुर ने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर से कहा, क्या कहा, दैट ऑल दोज बॉर्न वुड हैव टू डाई वन डे, जो भी जन्मते हैं उनको एक दिन तो मरना ही होता है। और उन्होंने बोला कि यदि आप बहुत बड़े ज्योतिषी बनते हैं तो, चैलेंज कर दिया। ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स टू टेल द मैनर, टू टेल द मैनर ऑफ हिज डेथ, मतलब उनकी मृत्यु का असली कारण बताइए, वो ढंग बताइए, वो तरीका बताइए कि वह मरेगा कैसे। मैं जन्मा हूं, सिंपल सी बात, मैं मरूंगा, आप भी जन्मे हो, आप मरेंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन अपने आपको बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर मानते हो तो आप मेरे को बताओ कि किस तरह से मैं मरूंगा, है ना, वो कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, कौन सा मैनर है, उस चीज को मेरे को बतलाओ आप। तो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए क्या हुआ, एवरीवन वाज स्टन्ड, हर कोई वहां पर जितने भी दरबारी बैठे थे, है ना, राजा जो थे, सब लोग क्या स्टंट हो गए, स्तब्ध रह गए, एस्ट्रोलॉजर्स भी स्टंट हो गए, अरे बाप रे, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है और क्या तार्किक बात कर रहा है 10 दिन के होने के बावजूद। तो फ्रेंड्स देखिए यहां बता दे रहा कि एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब फ्रेंड्स वो जो 10 दिन का छोटा बच्चा है, शिशु बालक जो है ना, बॉर्न जस्ट 10 डेज एगो वाज टॉकिंग इन सच ए मैनर, माने हर कोई स्तब्ध था कि 10 दिन का ये बच्चा इस तरह से बात कर रहा है, बड़ों के जैसा लॉजिकली बात कर रहा है, हर कोई क्या था, स्टंड हो गया था, सरप्राइज हो गया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे चैलेंज की बात हो गई, तो एस्ट्रोलॉजर्स बहुत आए थे, तो और जो छोटे एस्ट्रोलॉजर्स थे वो तो नहीं बता पाया, लेकिन जो उनका हेड था, जो चीफ था, उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, देखिए फ्रेंड्स इनका नाम आएगा बार बार, ध्यान दीजिएगा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द प्रिंस, राजकुमार को चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया That he was born in the hour of bull, कि उसका जो जन्म हुआ है वृषभ राशि में हुआ है, वृषभ मतलब बैल, बुल वाली राशि में हुआ है। तो आगे क्या बताया जाए फ्रेंड्स, as bull and tiger were enemies, मतलब जैसा कि वृषभ और जो व्याघ्र होता है, मतलब टाइगर और बुल एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, so his death would come from the tiger, इस वजह से इसकी जो उस मतलब आपकी जो मृत्यु होगी वो आप मृत्यु किससे होगी, टाइगर से होगी, क्योंकि आपने वृषभ राशि में जन्म लिया है, इस वजह से आपकी जो मृत्यु होगी है ना टाइगर के द्वारा होगी। द रॉयल एरोगेंस सर्फेसेस व्हेन द इन्फेंट प्रोनाउंसेस, तो जो भी वहां दरबारी बैठे थे उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई जब उन्होंने क्या सुना, जब उस इन्फेंट बालक ने, प्रिंस ने क्या प्रोनाउंस किया, लेट टाइगर्स बी अवेयर, तब टाइगर तुम अलर्ट हो जा, बी अवेयर, सचेत हो जा, अब मैं आ गया हूं, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द महाराजा ग्रू स्ट्रॉन्गर, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अब 10 दिन के बाद धीरे 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 बच्चा बड़ा होते चला जाएगा, राजकुमार बड़ा होते चले गए, तो उनके शरीर की ताकत क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, वो स्ट्रॉन्गर होते चले जाएंगे, एंड टू टू टाइगर हंटिंग, और उन्होंने टाइगर का शिकार करना चालू कर दिया। ही वॉज ओवरजॉयड, और उनको बहुत खुशी मिली, ओवरजॉयड हुए वह, When he killed the first tiger, जब उन्होंने पहला टाइगर फ्रेंड्स मारा, पहले टाइगर का जब उन्होंने हंटिंग किया तो उनको बहुत ही खुशी मिली, overjoyed वो महसूस कर रहे थे। When he told the chief astrologers about it, और जा करके जो chief astrologers जिन्होंने बताया था कि आपकी प्रिंस की मृत्यु किससे होगी, जिलानी जंग जंग बहादुर की मृत्यु किसी को टाइगर से, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो ऊपर जॉय हो करके ऐसा लगा कि इस पृथ्वी में मेरे ज्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन कोई नहीं होगा, जा करके चीफ एस्ट्रोलॉजर को बोला, क्या बोला, कि मैंने पहला टाइगर हंटिंग कर दिया है। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही मे किल 99 टाइगर्स, कि जिलानी जंग जंग बहादुर जी आप 99 टाइगर्स का हंटिंग कर सकते हैं,
But आ गया friends, but he must be careful with the 101. लेकिन उनको जो समर टाइगर है उससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, वही आपकी मृत्यु का असली कारण बन सकता है। जिस तरह से फ्रेंड्स देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा कंस, जैसे आपने सुना था है महाभारत में, वही चीज फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इन 10 इयर्स 10 सालों में ही किल्ड 70 टाइगर्स। 10 सालों में फ्रेंड्स देखिए, लगातार हंटिंग करते करते उसने 70 टाइगर्स की हंटिंग कर डाला, क्योंकि उसने बचपन से शपथ ले रखा था कि मैं 100 टाइगर को मारूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा, है ना। और जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी हुआ मिथ्या साबित हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कंटिन्यूअसली, मतलब जब भी मौका मिला, लगभग 10 साल तक उन्होंने हंटिंग किया और 70 टाइगर्स को मार डाला, है ना। जब भी मौका मिलता हंटिंग करते थे, टाइगर की हंटिंग करते थे। ही बैंड द किलिंग ऑफ टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रतिबंधपुरम स्टेट के फॉरेस्ट में, है ना, टाइगर की हंटिंग करना करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वो चाहते थे सिर्फ मैं हंटिंग करूं, कोई और हंटिंग न करे, टाइगर हंटिंग न करे, और मुझे 100 टाइगर मारने हैं। इस वजह से उन्होंने अपने राज्य में टाइगर हंटिंग क्या किया, प्रतिबंध करा दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट एट प्रतिबंधपुरम। इतना ज्यादा राजा हंटिंग करने लगे कि धीरे 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 ऐसा लगा प्रतिबंधपुरम के जंगल से पूरी तरह से टाइगर क्या हो गए, लुप्त से हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स तो महाराजा, अब उसके बाद इनको लगा, अरे बाबा हमको 100 टाइगर मारना है, अभी तो 70 टाइगर्स ही मरे हैं और हमारे प्रांत में, हमारे स्टेट में टाइगर्स खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब क्या किया जाए। तो उनके जो मतलब एडवाइजर थे, है ना, कौन, दीवान, कौन थे फ्रेंड्स, दीवान, उनके एडवाइजर जो दीवान थे, उन्होंने क्या बतलाया, मैरिड अ प्रिंसेस ऑफ ए स्टेट वेयर द टाइगर पॉपुलेशन वाज लार्ज। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उस पर्टिकुलर प्रांत के राजकुमारी से शादी कर ले, क्योंकि उनके प्रांत के फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर हैं, आप आसानी से टाइगर हंटिंग करने पाएंगे और अपनी शपथ को पूरा करने पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे, आप ज्योतिषी की भविष्यवाणी को मिथ्या साबित कर पाएंगे और आप अमर हो जाएंगे। तो जैसा दीवान ने सजेस्ट किया वैसा इन्होंने किया भी। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे प्रांत के राजकुमारी से शादी किया जिसके राज्य में, राज्य के जंगलों में बहुत सारे टाइगर पाए जाते थे। तो उसके बाद क्या फ्रेंड्स, क्या बताया जा रहा है कि ही वुड हंट टाइगर्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू हिज फादर इन लॉ। माने जब भी ये ससुराल जाते, अपने ससुर जी से मिलने जाते थे, 5-6 टाइगर को मार के आते थे, है ना। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, 70 से ऊपर होने लगी, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ही मैनेज टू किल 99 टाइगर्स, मतलब 99 टाइगर्स उन्होंने हंटिंग तो कर लिया, बट वन वाज स्टिल लेफ्ट। लेकिन अभी भी एक टाइगर की हंटिंग करना फ्रेंड्स क्या रह गया, बाकी रह गया था, अभी भी एक टाइगर की हंटिंग नहीं कर पाए थे, एक टाइगर बचा था। और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि जो 100वां टाइगर होगा उससे जरा बच के रहिएगा। तो देयर वाज नो साइन ऑफ टाइगर्स एनीवेयर, और कहीं भी एक भी टाइगर दिखाई नहीं दे रहा था, न इनके स्टेट में, न इनके ससुराल के स्टेट में, कहीं भी जंगलों में एक भी टाइगर के अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी ये बौखलाने लगे, टेंशनाइज हो गए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देयर वाज नो साइन ऑफ टाइगर्स एनीवेयर, द महाराजा कुड नॉट बियर इट एनीमोर। और अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने पाते थे, अब ये क्या हो गए, रेजफुल हो गए, एंग्री फुल हो गए, गुस्से में आकर के इन्होंने अपना जो क्रोध है प्रजा के ऊपर उतार दिया। किस तरह से फ्रेंड्स, ही रेज द लैंड टैक्स एंड ऑल्सो डिसमिस सम ऑफ हिज मेन। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा पर लैंड टैक्स दुगना कर दिया, बढ़ा दिया, और साथ ही साथ जो जो व्यक्ति इनके अंडर में काम करते थे, जिनको टाइगर के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कि कहां पर टाइगर हैं, है ना, उसके लिए उनको रखा गया था, नियुक्त किया था, उन सारे लोगों को उन्होंने क्या किया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया, जा तेरी कोई जरूरत नहीं यहां पर। फाइनली द दीवान अरेंज्ड फॉर अ टाइगर व्हिच वाज ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। अर्थात फ्रेंड्स, लास्ट में दीवान ने क्या किया, या अंततः दीवान ने मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर की अरेंजमेंट किया। और वह टाइगर क्या था फ्रेंड्स, बहुत ही वीक था, उसका शरीर एकदम निर्बल था। तो दीवान को लगा कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाएगा, और राजा जो है, महाराजा जो है, जिलानी जंगजंग बहादुर जी बहुत जल्दी शूट कर लेंगे, है ना, और अपने शपथ को पूरा कर लेंगे आसानी से। इस वजह से फ्रेंड्स दीवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि मद्रास के पीपल्स पार्क से उस वीक टाइगर को प्रतिबंधपुरम की फॉरेस्ट में डाल दिया गया। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, इट वाज ड्रैग्ड एंड ड्रिवन टू द फॉरेस्ट।
और उसको क्या किया, घिस्टा करके उसको धक्का दे दे करके क्या किया गया, उसको फॉरेस्ट में भेजा गया है एंड लेफ्ट वेयर इट वुड बी स्पॉटेड बाय द महाराजा, और ऐसी जगह पर उसको छोड़ दिया गया जहां पर राजा जो है या महाराजा आसानी से उसका शूटिंग कर सके, हंटिंग कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, द महाराजा हैड टेकन हिज मेल फॉर हंटिंग, और महाराजा ने हंटिंग करने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को भी ले रखा था, साथ में हंटिंग करने गए। He saw the tiger. उन्होंने जब टाइगर को देखा, उस वीक टाइगर को देखा, तो उन्होंने क्या क्या शॉट किया है ना, एंड इट ड्रॉप्ड डेड, और जो टाइगर था वह जो वीक टाइगर था वह क्या हुआ, जमीन पर गिर गया, ऐसा लगा कि वो मर सा गया। द इलेटेड महाराजा डिड नॉट नोटिस, और उस एक्साइटेड एलिटेड महाराजा ने यह ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया दैट द वीक एंड इमेसिएटेड टाइगर, वह जो वीक था और जो इमेसिएटेड टाइगर था Had fainted, वह क्या हुआ था, सिर्फ मूर्छित हुआ था, बेहोश हुआ था डर के मारे, from the shock of the bullet shot, मतलब जब बुलेट चलाया गया है ना, जब बुलेट चलाया गया तो उसकी आवाज से डर के मारे बेचारा बेहोश हो गया था, अचेत होकर के गिर गया था, और राजा को ऐसा लगा, महाराजा को ऐसा लगा कि टाइगर मर गया है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, महाराजा मेन न्यू इट, और जो महाराजा के साथ जो उनके असिस्टेंट गए हुए थे वो इस चीज को जान रहे थे, दीवार के साथ में गए हुए थे वो जान रहे थे, बट दे फियर्ड, लेकिन उनको डर था दैट इफ दे रिवील्ड दिस फैक्ट, यदि उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया, मतलब जाकर के महाराजा के सामने बोल दिया कि आपका निशाना चूक गया, वो टाइगर मरा नहीं है, तो राजा क्रोध में आकर के इनको नौकरी से निकाल दे, देन दे वुड श्योरली लूज देयर जॉब्स, तो सिंपल सी बात, वो अपने जॉब को खो देंगे, इसलिए डर के मारे वो उन्होंने उसको बताया नहीं। So they killed the tiger. उसलिए उन्होंने जो उनके असिस्टेंट लोग थे वो लोग मिल करके उस टाइगर को मार दिए, हंटिंग कर दिए। The Maharaja did not know that he still has one tiger left to be killed. कि अभी भी उनको एक टाइगर मारना बाकी है, राजा को मालूम नहीं था, महाराजा को मालूम नहीं था, उनको ऐसा लगा कि I killed 100 tigers, है ना, तो अब मैं अमर हो गया, मेरे कोई नहीं मार सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उनकी जो भ्रम थी यह कहीं ना कहीं इनकी मौत का ही कारण बने, और साथ ही साथ कुछ और भी बातें फ्रेंड्स लास्ट में सम अप करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, पहले इस स्टोरी को पूरी तरह से देख लेते हैं फ्रेंड्स। महाराजा हैड टू अटेंड हिज 3 ईयर ओल्ड सन्स बर्थडे, और फ्रेंड महाराजा अभी बहुत खुश रहते थे, और इनका जो 3 साल का बच्चा था उसका बर्थडे कुछ ही दिनों बाद उसका बर्थडे था, तो इनको अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो सोच रहे थे कि अपने बच्चे के लिए क्या बेहतरीन गिफ्ट लूं कि मेरा बच्चा खुश हो जाए। इस वजह से वह क्या कि एक शॉपकीपर के पास गए और वहां पर गिफ्ट आइटम देखें, तो शॉपकीपर जो है बहुत ही अनफेथफुल बंदा था, उसने सोचा कि महाराजा को सस्ती चीज जो है महंगी रेट में देता हूं और खूब तारीफ कर देता हूं, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उस शॉपकीपर ने यह ट्रिक अपनाया, तो उन्होंने शॉपकीपर ने बहुत सारे गिफ्ट आइटम उनको दिखलाया लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आया, लेकिन एक लकड़ी का टाइगर जो है जब वो देखे तो इनको पसंद आया, तो शॉपकीपर ने क्या किया, खूब बढ़ा चढ़ा करके मलाई मार मार के खूब तारीफ किया, है ना, और जितनी कीमत थी उस वुडन टाइगर की टॉय की उसकी दुगनी रेट से उनको बेच दिया। देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, द टाइगर मतलब वो जो लकड़ी का टॉय था, लकड़ी का जो टाइगर टॉय था वाज मेड बाय एन अनस्किल्ड मैन, एक अनस्किल्ड मैन के द्वारा बनाया गया था, अकुशल व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, इस वजह से उसका जो सरफेस था वो क्या था, रफ था, मतलब ठीक से उस पर रांदा नहीं मारा गया था। अ वुड स्लीवर, देखिएगा एक लकड़ी का जो है फाका, जैसे लकड़ी में देखते हैं अच्छा रांदा नहीं मारा जाता है तो उसमें हल्के रेसे निकले रहते फाका टाइप से, वह क्या हुआ राजा के हैंड में घुस गया, जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, टाइगर टॉय के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते क्या हुआ फ्रेंड्स, वो उडेन का जो स्लीवर था वो क्या हुआ इनके हैंड में पियर्स हो गया, घुस गया। नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन स्प्रेडेड इनटू हिज होल हैंड, और धीरे धीरे क्या हुआ उनके पूरी हाथों में इन्फेक्शन फैलता चला गया, एंड 3 surgeons performed the operation, और 3 surgeons को बुलाया गया उनका इलाज करने के लिए, but failed to save the king's life, लेकिन राजा की लाइफ को बचाने में वह असफल रहे, लेकिन वो 3 surgeons क्या कहते ऑपरेशन सक्सेसफुल।
कैसे हो जाएगा भाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल सक्सेसफुल मुझे राजा बचना चाहिए। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ लेकिन टाइगर वाज, टाइगर किंग वाज डेड। तो फ्रेंड्स यही छोटी सी कहानी थी जो लिखी गई है किसके द्वारा, तमिल राइटर कल्कि द्वारा या कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई है स्टोरी। आई थिंक ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा, लगा होगा। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इस लेसन की क्या थीम है। देखिए फ्रेंड पहला थीम यह है कि डेथ इज इनविटेबल, मतलब मृत्यु बुला के नहीं आती, मृत्यु कभी भी आ जाती है। मैन इन पावर रूथलेस टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, जब इंसान पावर में आता है, सत्ते में आता है, तो वह जंगली जीवों के प्रति क्या होता है, निष्ठुर हो जाता है। ये टाइगर किंग के रूप में यह बात पूरी तरह से लागू होती है। और मौत आना है तो वो आके रहेगी, वो निश्चित है ना। आप जानते हैं फ्रेंड्स दुनिया में यदि कोई चीज सत्य है तो वो मौत है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स टाइगर किंग के बारे में जिसके ऊपर पूरी स्टोरी चली है, यदि उनके करेक्टर के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो वो बहादुर है लेकिन कावड़ भी है, सेल्फिश भी है, रूदलेस है और साथ ही साथ इरिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्रजा का ख्याल करने को छोड़ करके, प्रजा का माने क्या करना चाहिए, प्रजा को वेल सर्वाइव करने को छोड़ करके वो क्या अपने सेल्फिश नेचर में लग गए हैं, इरिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि टाइगर किंग टाइगर हंटिंग करने में पूरी तरह से अपने आप को एंगेज कर लिए हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके वजह से टाइगर किंग की मौत हुई, सर जिलानी जंग जंग बहादुर जी की मौत हुई, महाराजा की मौत हुई। देखिए इसमें पहला फ्रेंड्स दीवान, दीवान जानता था रियलिटी, दीवान को मालूम था कि समा जो टाइगर मारा नहीं गया है, टाइगर किंग का निशाना जो है चूक गया है, लेकिन उन्होंने रियलिटी नहीं बताया। और साथ ही साथ फ्रेंड्स शॉपकीपर, शॉपकीपर ने भी उनको ठगा, शॉपकीपर ने ठगा उनको, ज्यादा पैसा ले लिया, लो क्वालिटी की चीज दे दिया और लकड़ी का फाका घुसने से महाराजा की मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ तीनों सर्जन ने यदि सही तरीके से ऑपरेशन किया होता तो शायद महाराजा बच जाते, अर्थात इनकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी ने क्या किया, टाइगर किंग को क्या किया, डेथ के करीब पहुंचा दिया। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।